दगड़ियों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दगड़ियों, लगभग एक हफ्ते के बाद, काफ़ी दिन के बाद ये धूप निकली है, देख रहे हो, बहुत ही प्यारी धूप। पिछले एक हफ्ते से भाई ऐसी धूप दिख रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख रहे हो कैसी चमचमा रही है, जैसे लग रहा है सोने की तरह चमचमा रही होगी। तो मौसम के अपडेट सुबह सुबह आप लोगों के साथ शेयर की मैंने, ठीक है। साथ ही ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कुछ दिन से जो है एक्चुअली में कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही थी बारिश की वजह से, घर में एक तरह से बंद हो गए थे हम। बट भाई फिर से आज बारिश बंद हो रही है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और फिलहाल धूप का ये सुनहरा सा दृश्य। रही बात गांव में साग सब्जियों की, तो नॉर्मली है भाई, ठीक है। ये देख लो, ये भी लग रहे हैं भाई फलियां, ठीक है। मांस बोलते हैं भाई इनको, मांस, मांस रयास सुना होगा आपने, तो शायद ये रयास है, रयास, ठीक है, रयास बोलते हैं शायद इनको। इनका कलर थोड़ा भूरा भूरा टाइप का होता है। और ये भाई सूरजमुखी देख रहे हो कितने सारे हो रखे हैं भाई, ब्यूटीफुल। और यहाँ देख रहे हो ये छीमियाँ, इनको राजमा के दाल भी यूज़ कर सकते हैं बाद में, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं भाई। मेरी छुट्टी करिए भाई, खाने के लिए लड़ रही है मेरे साथ, ठीक है, खाना बनाने के लिए, लंच बनाने के लिए। इनको आदत पड़ गई है पति देव का अच्छा और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खाने की। अरे भाई बिल्कुल भी खाना बनाना बंद कर दिया आप, ठीक है। जब से मैं घर में आ रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ, तब से खाना नहीं बना रहे। और कह रहे हैं कि बाकी और क्या काम है, खाना बनाओ घर में रह के। लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला हूँ, चाहे जमीन आसमान फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो इसको ही बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं तड़ेगा चाची, तड़ेगा कौन बना तो टी का। और भाई खाने को लेके जबरदस्त लड़ाई घर में, ठीक है। और हम जो है आज खाना बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है खाना बनाने का, ठीक है। ऐसे झगड़ा तो रोज ही होता है, लेकिन आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। घर में रह के भाई इतना आसान नहीं है घर में रहना, ठीक है, वो भी बाल बच्चे वाले आदमी के लिए। बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे सरदर्द घर में होती है। और आज जबरदस्त झगड़ा हो गया सुबह सुबह खाना को लेके सोनिया जी के साथ। और अब सफाई दे रही है कैमरा सामने आती है कि मैं नहीं करती झगड़ा, मुझे झगड़ा करना नहीं आता है। लेकिन भाई क्या बताएं, और ये हर घर की कहानी है, हर बीवियाँ जो है ऐसी होती है। देख रहे हो कितने गुस्से में जो है बर्तन साफ करके रख रही है। आज
और कैमरा देखते ही सफाई देने लग गई है भाई। तो दोस्तों शाम का टाइम है और भाई चाय, और चाय किस एनवायरनमेंट में देख रहे हो। तो यही मजा है भाई पहाड़ों का, ऐसी खुली एनवायरनमेंट में खाना पीना होता है ना, तो एक अलग सा एडवेंचर टाइप का लगता है। ठीक है, और ये देख रहे हो नीचे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हेड़े हैं और इनका बनेगा पेस्ट। आज धूप लगी थी तो काफ़ी अच्छी तरीके से सूख गए हैं और अब भाई इनका पेस्ट बनेगा जो कि बहुत सारे काम आएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, शेयर करूंगा आपके साथ भी। फिलहाल मैं चाय का मजा लेता हूँ। चाय पीते पीते ये पेड़ नजर आया मेरे को, ये देख रहे हो भाई, इसको भाई पहले छोटे में हम खाते भी थे शायद, तनिक क्या बोलते हैं इसको, आप लोगों को पता हो तो भाई कमेंट्स बॉक्स में लिखे। ये पक्के ना, ये काले काले हो जाते हैं, ये देख लो नीचे काला हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? शाम का टाइम है सब्जी ढूंढने का और पक गए, तो ये देख रहा है भाई तोरिया कैसे लग रही है, यहीं से करेंगे सब्जी का गुजार, साथ में कच्चा अमरूद खा रहे हैं। और भाई बंदरों की बहुत मेहरबानी हो गई, एक ककड़ी भी छोड़ दी यहाँ पे देख रहे हो, तो ये भी हाथ लग गई, चलो उम्मीद नहीं थी लेकिन लग गई। अमरूद ऐसे ही खाने पड़ रहे कच्चे, कहीं पेड़ देख लो वो लगे हैं देखो। बाकी कुछ नहीं है भाई, फालतू की चीज़ें लगी है, अपने यूज़ की कुछ नहीं है। इस बार सब्जी के कुछ यही हालत है, लेकिन थोड़ी बहुत तो भाई बरसात का टाइम है तो मिल ही जा रहा है ना, अन्यथा ये भी नहीं मिलेगा तो भाई क्या करेंगे। सब बंदरों की मेहरबानी है, बंदर अगर थोड़ी बहुत मेहरबानी कर देते हैं तो बच जाता है, नहीं तो भाई नहीं बचता कुछ भी नहीं। और गांव का माहौल कुछ इस प्रकार से बने हुआ है शाम के टाइम। तो दगड़ो यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दगड़ो नेक्स्ट ब्लॉग में, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ो, ककड़ी के साथ बाय बाय।